दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप अपना डिश टीवी का रिचार्ज नहीं करते हैं तो क्या आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों उस वीडियो के नीचे काफी कमेंट्स आए थे कि सर क्या अगर हम अपने डाटा स्काई का भी अकाउंट रिचार्ज नहीं करते हैं, यानी कि हम अपना मंथली रिचार्ज नहीं करते हैं, तो क्या हमारा अभी अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी यही सवाल है तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं डिकोड मनीष। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल को प्रेस कर लें जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम अपने डाटा स्काई का अकाउंट को मंथली रिचार्ज नहीं करते हैं तो क्या हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा बट कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो दो चीजें मैंने बोली, डीएक्टिवेट और कैंसिलेशन, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप अपना मंथली रिचार्ज नहीं करते हैं, चाहे एक महीना, चाहे दो महीने, चाहे एक साल, चाहे पांच साल, चाहे दस साल, जब तक आप चाहते हैं, जब तक आपका आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट रहेगा, जब तक आप उसमें रिचार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, वहां पे आपका कैंसिलेशन नहीं होगा। कैंसिलेशन जब होगा जब आप अपना जब कस्टमर केयर मतलब टाटा स्काई के कस्टमर केयर में कॉल करके आप कस्टमर केयर में कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डीएक्टिवेट का मतलब ये हुआ आपका कि आपका सिर्फ अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, मतलब उस पार्टिकुलर सब्सक्राइबर आईडी के ऊपर आपकी वो जो सर्विस है वो बंद कर दी गई है, पर टाटा स्काई की तरफ से आपका अकाउंट सर्विस बंद नहीं की गई है, ठीक है। ये हो गया आपका डीएक्टिवेट प्रोसेस। और कैंसिलेशन प्रोसेस ये हो गया कि जब तक आपने अपना टाटा स्काई मतलब जैसे डिश टीवी में है कि अगर आप उसे 6 महीने से ज्यादा अगर आप रिचार्ज नहीं करते तो उनके पास वो रूल है कि वो आपका अकाउंट परमानेंटली डीएक्टिवेट कर सकते हैं, पर टाटा स्काई में ऐसा नहीं है। टाटा स्काई में क्या है कि जब तक आप चाहे उसे 5 साल बंद रखिए, चाहे 10 साल बंद रखिए, जब तक आप उसके अंदर परमानेंटली कस्टमर केयर में कॉल करके आप रिक्वेस्ट नहीं देंगे कैंसिलेशन की, भैया मुझे अपना पूरा टाटा स्काई की सर्विस को यूज ही नहीं करना है, जब तक वो आपका कैंसिल नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम अपना टाटा स्काई का अकाउंट मंथली रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका सिर्फ अकाउंट मतलब डीएक्टिवेट होगा, आपकी सर्विस टाटा स्काई की तरफ से जो आपको एक सब्सक्राइबर आईडी दिया जाता है वो आपकी मतलब सब्सक्राइबर आईडी कभी बंद नहीं होगी, वो कभी डीएक्टिवेट नहीं होगी। आप जब भी कभी भी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब भी आप उसे रिचार्ज करेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ऐसी आप सिचुएशन में हो और आप उसे रिचार्ज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर आप अपने टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स और अपने टीवी को आपको हमेशा ऑन रखना है। आप बिना इन चीजों को ऑन किए हुए आप रिचार्ज मत कीजिएगा क्योंकि वो फिर स्लो प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि उनके सर्वर्स को पता ही नहीं चलता है कि पार्टिकुलर जो सेटअप बॉक्स रखा हुआ है वो ऑन है कि ऑफ है, क्योंकि अगर आप ऑफ रखेंगे तो वो आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ ही नहीं समझ ही नहीं पाएगा आपका टाटा स्काई का सर्वर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिचार्ज करें तो मेक श्योर रहें कि आपका जो एसटीवी है और आपका टीवी है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से अब समझ गए होंगे कि आप डीएक्टिवेट और कैंसिलेशन में क्या फर्क है। डीएक्टिवेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, जब तक आप अपना रिचार्ज नहीं करेंगे जब तक वो आपका सेटअप बॉक्स आपका डीएक्टिवेट रहेगा, आपकी सर्विस डीएक्टिवेट नहीं रहेगी। और कैंसिलेशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब तक आप अपने टाटा स्काई की सर्विस को मतलब टाटा स्काई के कस्टमर केयर में जब तक आप अपने टाटा स्काई के कस्टमर केयर में कॉल करके आप परमानेंटली उसको बंद करने की रिक्वेस्ट नहीं देंगे, जब तक वो आपका अकाउंट मतलब आपकी जो सब्सक्रिप्शन आईडी होती है टाटा स्काई के अंदर वो कैंसिल नहीं होगी, वो किसी दूसरे को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप सीधी और सरल भाषा में आपको अगर बताऊँ तो दोस्तों ये है सारा कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।